हेलो गाइस, कैसे हो? और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल और यूनिट ऑफ लाइफ। तो वेलकम टू द लर्नर सेल, माय नेम इज हरीश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे हिस्टोरी ऑफ सेल। हम सेल की हिस्ट्री में ये नहीं जानेंगे कि सेल कहाँ से आया था और फर्स्ट कैसे इवॉल्व हुआ था, उसके बारे में नहीं जानेंगे। हम सेल के बारे में इतना जानेंगे कि सेल कौन डिस्कवर किया था फर्स्ट, कौन ऑब्जर्व किया था उसके बारे में। तो सेल फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक, ग्रेट साइंटिस्ट। उसके अलावा तो हम इतने दिन तक नहीं जान सकते कि सेल किसने देखा, क्या कैसा है। तो फर्स्ट किसने किया था, जिसके दिमाग में फर्स्ट किया था वो था रॉबर्ट हुक। ये एक इंजीनियर था एक्चुअली में, ये कोई बायोलॉजी बेस नहीं था। तो ये एक इंजीनियर था, इसने एक दिन एक काट के टुकड़े में देख रहा था, तो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रख के देख रहा था। तो इसने ये जो शेप है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जिसने जिसने हनीकॉम देखा है वो जान सकता है हनीकॉम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इसने मतलब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस यूज़ करके। मतलब उस टाइम तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो सिंपल जितना सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग डिवाइस था उसकी सहायता में ये ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद एंटोन हन ल्यूवेनहॉग ने फर्स्ट लाइफ सेल ऑब्जर्व किया था। ये बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने ये डेथ सेल ऑब्जर्व किया था, ये लाइफ सेल नहीं था। रॉबर्ट हुक ने डेथ सेल ऑब्जर्व किया था, लाइफ सेल नहीं था। और एंटोन वॉन लुइक ल्यूवेनहॉग ने कितना 18 के अराउंड, शायद मुझे याद नहीं ठीक से, तो 18 के अराउंड में एंटोन वॉन लुइक ल्यूवेनहॉग ने फर्स्ट लाइफ सेल ऑब्जर्व किया था। और ये रॉबर्ट ब्राउन, ये याद रखना, ये कन्फ्यूज मत करना, ये MCQ में मतलब आता है बहुत, बायोलॉजी जो एग्ज़ाम होता है बायोलॉजी के बेसिस से बहुत कॉलेज में, तो उनमें आता है मतलब रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक। मतलब इसमें कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि ये सेम नाम रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। क्या न्यूक्लियस? बाद में हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, डिटेल्स पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। अब तो हमसे बेसिक सेल के बारे में जानेंगे, सिर्फ सेल क्या होता है इसके बारे में सिर्फ जानेंगे। तो सेल ये एक देख सकते हो, ये एक प्लांट एनिमल सेल है। ये प्लांट सेल होता तो इसमें एक और एक क्या था, क्या होता, प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो व्हाट इज सेल? सेल वी फाउंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Without cell cannot the living organism cannot live. All living organism made up of cell. These are different size and shape which vary organism to organism, which varies organism to organism. मतलब ये जो cell की size shape different होता है, मतलब organism अगर भिन्न उद्भिद और प्राणी में आप different type का organism देख सकते हो। उद्भिद means planet, okay? So don't be confused. ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है सेल। मतलब अगर प्लांट की सेल देखो, प्लांट की सेल में कुछ अलग चीज़ होता है और ह्यूमन के सेल में कुछ अलग चीज़ें होता है। जैसे प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, जो ह्यूमन के सेल में नहीं होता है। और प्लांट के सेल में वो भी तो रहता है, ये क्या सेल वॉल वो भी रहता है जो ह्यूमन सेल में नहीं होता है। तो ह्यूमन जस्ट नॉट ह्यूमन बट ये जितना सारे एनिमल होते हैं उसके उनके सेल वॉल नहीं होता है। और सेल इज़ द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्या? स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल और फंक्शनल। स्ट्रक्चर मतलब ये स्ट्रक्चर देते हैं, कोई भी प्लांट हो एनिमल हो स्ट्रक्चर देते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जितना सारा बायोलॉजिकल फंक्शन होता है बॉडी, किसी भी बॉडी में वो मतलब सेल में मतलब क्रिया किया जाता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल यूनिट बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट मतलब जितना सारा फंक्शन होता है वही फंक्शन होता है वो सब मतलब सेल में होता है। जितने सारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी का, प्रोटीन सिंथेसिस और DNA RNA सिंथेसिस, सब हर किसी फंक्शन सेल के अंदर होता है। इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट बोला जाता है। और बाद में हम जाने बाद में लेक्चर कोई वीडियो लाऊंगा तो उसके बारे जो क्या बोलते हैं सेल के बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो टिपिकली माइक्रोस्कोप व्हिच मींस यू कैन नॉट सीन, मतलब आप अगर किसी सेल को देखना चाहते हो तो आपको एक हाई
पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके सेल की ऑर्गेनेल्स को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, इससे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं हो पाएगा। ये पिक्चर में देख सकते हो क्या क्या ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, पार्क्सिज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये टू टाइप का होता है, राग होता है, स्मूथ होता है, वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में कभी कभी मिलता है वैक्यूम छोटा सा इसका, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोजोम हो गया, लाइसोजोम को क्या बोलते हैं बताओ, लाइसोजोम को सुइसाइडल बैग बोला जाता है, माइक्रोबिन और भी बहुत कुछ होता है, ये हम बाद में जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म टू टाइप, मीन कितने क्वांटिटी में सेल रहता है एक ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस से टू टाइप का होता है, एक यूनिसेलुलर और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल और यूनिसेलुलर नाम सुन के आप लोगों को पता ही हो गया कि यूनिसेलुलर मतलब एक सेल रहता है एक कोई ऑर्गेनिज्म में, जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप और मोर देन वन सेल और लार्ज नंबर ऑफ सेल, एग्जाम्पल ह्यूमन प्लांट, मतलब इनमें मतलब बहुत सारा ट्रिलियन ट्रिलियन बिलियन बिलियन सेल्स होता है, इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल मतलब इनकी स्ट्रक्चर और सेल के मतलब उनका अंदर जो ऑर्गेनल्स होता है उसके बेसिस से सेल टू टाइप का होता है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मीन जो बहुत पहले आ गया था, इनका स्ट्रक्चर मतलब पुराना टाइप का है, इन ये सब सेल उतना डेवलप नहीं है, तो इनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। सिंपल याद रखना, इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स ये अनडेवलप होता है और लैक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये मेम्ब्रेन रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया कौन कहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाता है, बैक्टीरिया, आर्सेरिया, माइक्रोप्लाज्मा, उसमें देखा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कहाँ देखा जाता है, जितने सारे डेवलप, जैसे प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, बहुत सारे एनिमल्स, जितने सारे एनिमल मतलब बड़ा बड़ा एनिमल, उनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल ये सब मतलब डेवलप फुल्ली डेवलप सेल होता है, इनके अंदर मतलब न्यूक्लियस रहता है, इनके अंदर क्रोमोसोम रहता है, इनके अंदर मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, और पहले प्रोकैरियोट में क्या होता था, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए रहता है, बट इन यूकैरियोटिक में बहुत सारा क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, मतलब क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करके, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में रहता है। तो और एक बात, यूकैरियोटिक सेल में जितने सारे ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब जितने सारे क्या बोलते हैं उसको, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है, सब प्रेजेंट रहता है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जानते हैं। प्लांट सेल क्या होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इन इस सेल इज इस प्लांट सेल आर कंसिस्ट विथ सेल वॉल। ये पहले बोल दिया था मैंने कि प्लांट सेल वॉल रहता है, ये तो हम पहले बोल दिया था, प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, लिए ये क्या हुआ है, ये बताओ क्या हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट, ये पे क्या होता है, आप क्लोरोफिल का नाम तो सुना ही होगा आपने, क्लोरोफिल ये पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। ये वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा बड़ा वैक्यूल रहता है, मतलब कभी कभी तो इतना बड़ा मतलब होता है, एक साइड में न्यूक्लियस को कर देता है, ये न्यूक्लियस के क्या बोला जाता है, सेल की ब्रेन ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, क्रोमैटिन थ्रेड को डीएनए को क्रोमैटिन थ्रेड बोला जाता है, क्रोमोसोम को क्रोमैटिन थ्रेड बोला जाता है, ऐसे मतलब छोटे ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इनके अंदर ऐसे ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत थीन रहता है, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। जब प्रोफेज में ये लोग मोटा हो जाते हैं तब क्रोमोसोम ऐसे मोटा हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आता है, तब ये साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल का बारे में डिटेल्स देखेंगे बाद में, सेल वॉल क्या क्या मतलब क्या क्या लेके
मतलब बनता है सेलवाल, कौन से प्रोटीन, कौन की सेल रोज, कौन सी प्रोटीन सेल के बारे में, और ऑल के बारे में डिटेल्स बाद में फिर बोलूँगा। हाँ ये रहते हैं सेल एनिमी, और इन द प्लांट सेल प्रेजेंट प्लास्टिड, बोल दिया पहले प्लांट सेल में प्लास्टिड रहता है, एनिमल सेल में प्लास्टिक, क्योंकि एनिमल तो सेलेक्शन सेल्स नहीं करते हैं, जितना सारे मतलब खुद की खाना खुद बनाता है वो सब, उनके सब के अंदर प्लास्टिक रहते हैं, बट हम तो मतलब कुछ भी खा जाते हैं इसलिए हमारे अंदर प्लास्टिक नहीं होता है। हुई इस कॉन्सिस्ट ऑफ कलरिंग पिगमेंट, मतलब प्लास्टिक थ्री टाइप के प्लास्टिक होता है, ये बाद में हम जानेंगे थ्री टाइप के प्लास्टिक क्या क्या होता है, लीको प्लास्टिक, क्रोमोप्लास्टिक और क्लोरोप्लास्टिक। क्लोरोप्लास्टिक क्लोरोफिल रहता है, क्रोमोप्लास्टिक में आप ऑरेंज देखे, ऑरेंज की कलर होता है, कलरफुल पत्ते और कलरफुल फ्रूट, उनमें क्रोमोप्लास्टिक होता है। और लीकोप्लास्टिक कहाँ रहता है बताओ, लीकोप्लास्टिक रहता है रूट्स में, रूट्स क्योंकि रूट की कलर नहीं होता है। लीकोप्लास्टिक का मेन फंक्शन क्या होता है, लीकोप्लास्टिक मीन कलरलेस, और लीकोप्लास्टिक का मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टार्स और विभिन्न प्लांट की जो खाना होता है वो उसको स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है, लीकोप्लास्टिक स्टोर करता है। प्लांट प्लस हैव लार्ज साइज ऑफ वेहिकल बट एनिमल सेल आर हैव नॉट, बट समटाइम यू कैन फाइंड। ओके शॉर्ट नोट कुछ देखे क्या, दी वर्ड सेल कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला, कहाँ से आया था वर्ड लैटिन वर्ड सेल, सेल इज द लैटिन वर्ड सेला, सेला से आया था सेल, सेला मीन स्मॉल रूम, सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल की आपने देखा था, देखा ही तो मतलब कोई भी बिल्डिंग उसका जो ईट होता है, पत्थर होता है, उसके अलावा नहीं बन सकता है, तो सेम सेल के बिना कोई भी बॉडी प्लांट एनिमल बॉडी नहीं बन सकता है। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज क्या बोलता है, सेल बायोलॉजी, मेनली आप साइटोलॉजी बोलता है, ये जाता है उसको किया जाता है साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी बोलते हैं, सेलुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। एस्टिमेटेड द ह्यूमन कॉन्सिस्ट समवेयर अराउंड 4 ट्रिलियन सेल, आप सोच सकते हो 4 ट्रिलियन सेल कितना हो सकता है, 4 ट्रिलियन सेल, ह्यूमन ब्रेन कॉन्सिस्ट अकाउंट 80 बिलियन सेल ऑफ द सेल, मतलब ह्यूमन बॉडी में ब्रेन में सबसे ज़्यादा सेल रहता है, ब्रेन में कौन सी सेल रहता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ब्रेन में कौन सा सेल रहता है। ठीक है तो यही था वीडियो आज के, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स। ओके बाय।